तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड मेजर एंड माइनर एक्सेस केस ऑफ इलिप्स एंड दैट इज फ्रॉम चैप्टर ऑफ इंजीनियरिंग काउस सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट तो पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है टू पॉइंट ए एंड बी आर वन हंड्रेड एम एम अ पार्ट अ पॉइंट सी इज सेवेंटी फाइव एम एम फ्रॉम ए एंड फोर्टी फाइव एम एम फ्रॉम बी draw an ellipse passing through the point a b and c so that ab is not a major axis find major and minor axis of the ellipse draw normal and tangent at any point on ellipse तो हम क्या करते हैं पहले ये output देख लेते हैं ऐसा हमें ellipse draw करना है जो पॉइंट a b एंड c में से पास हो और एट लास्ट हमें कोई एक पॉइंट पे नॉर्मल एंड टेंजेंट भी ड्रॉ करना है तो मैंने पहले आपको आउटपुट दिखा दिया है मतलब ऐसा हमें ड्राइंग करना है जिसमें हमें एक ख्याल रखना है कि ये हमारा आउटपुट है तो वो डार्क होना चाहिए मतलब ये इलिप्स डार्क होना चाहिए एंड एट लास्ट नॉर्मल एंड टेंजेंट डार्क होना चाहिए क्योंकि वो भी हमारा आउटपुट है तो इस पूरे प्रॉब्लम में हमें दो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इलिप्स ड्रॉ करना है तो वो डार्क होना चाहिए और नॉर्मल इंटेंजेंट एजेंट करना है तो वो डार्क होना चाहिए बाकी पूरा वर्क लाइट होना चाहिए एंड एट लास्ट मेजर एंड माइनर एक्सिस भी फाइंड करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं तो पहले हम पॉइंट ए एंड बी मार्क करते जिसका डिस्टेंस है 100 हंड्रेड mm. एमएम तो पहले ओरिजेंटल लाइन ड्रूव करते हैं जिसका डायमेंशन है 100 हंड्रेड mm. एमएम तो यह हमें डायमेंशन दिया है डेटा में तो हम उसको मेंशन करेंगे फिर बाद में हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ए पॉइंट सी सेवेंटी फाइव एम एम फ्रॉम ए तो हम ए पॉइंट से आर ड्रॉ करेंगे कंपास की हेल्प से जिसका रेडियस होगा सेवेंटी फाइव एम एम तो हम इधर आर ड्रॉ करेंगे और बी पॉइंट से हमें डिस्टेंस दिया गया है फोर्टी फाइव एम एम तो बी पॉइंट से आर्क हम ड्रो करेंगे जिसकी रेडियस होगी 45 फाइव तो हमें जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो हो गया लोकेशन ऑफ सी पॉइंट तो उसको हम ज्वाइंट कर देते और इधर लिख देते पॉइंट है तो ये सब जो मैंने इधर मेंशन किया है डायमेंशन और ए लाइन वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ड्रॉ किया है और बाद में ए बी पॉइंट का मिड पॉइंट मार्क करो तो मैं ये जरूरत नहीं है एग्जाम में तो वो मैं डिलीट कर देता हूं फिर बाद में सी ओ पॉइंट ज्वाइंट करो और उसको एक्सटेंड करो वापस में रिपीट करता हूं ये जो ओ पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है उसको पहले मार्क करो फिर सी ओ ज्वाइंट करो और उसको एक्सटेंड करो सर्च दैट सी ओ is equal to दिस ओ डी डिस्टेंस तो वो भी आप कंपास से कर सकते हो सेट करो कंपास की रेडियस ओ टू सी और नेक्स्ट ओ सेंटर लेके इधर आर्क लगाओ तो आपको डी पॉइंट मिल जाएगा फिर डी में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो वो रोलर स्केल का यूज करके आप ड्रॉ कर सकते हो फिर बाद में इधर लाइन ड्रो करो जो इस लाइन से पैरेलल हो और ए पॉइंट में से पास हो सिमिलरली यू कैन डू दिस दिस लाइंस सो एट लास्ट यू हैव टू ड्रो दी पैरेलेलोग्राम मतलब ये आपको पैरेलेलोग्राम ड्रो करना है जो ए बी सी डी में से पास हो नाउ आपको ये जो ओ ए डिस्टेंस है उसको इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है जनरली फाइव और सिक्स डिवीजन ले सकते हो और उसको नेम दे देते जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिमिलरली आपने इधर जितना डिवीजन लिया उतना ही डिवीजन इधर लेना है मतलब आपने इधर सिक्स डिवीजन लिया है तो इधर भी आपको सिक्स डिवीजन लेना है नेक्स्ट इधर आपने सिक्स डिवीजन लिया है तो उसका भी आपको सिक्स डिवीजन लेना है और सिक्स इक्वल डिवीजन होना चाहिए similarly you can do over here now join c1 c2 c3 c4 and c5 Now but a very important point So, either focus karo join d1 and extend it which will intersect c1 line so give the name as p1 similarly d2 ko join karo और उसको एक्सटेंड करो C2 तक तो आपको मिल जाएगा P2 पॉइंट सिमिलरली आपको P3, P4, P5 पी फाइव एंड पी मिलेगा तो इधर आप बोल सकते हो ये P0 पॉइंट है क्योंकि हमको पता है हमें इलिप्स जो पास करना है वो C और A में से भी पास हो रहा है तो इसलिए मैंने इधर P6 लिखा है और ये P0 लिखा है सिमिलरली यू कैन रिपीट द स्टेप्स ऑन द राइट साइड ऑफ cd so you will get q1 q2 q3 q4 q5 and at last q6 now join all these points by smooth curves so it is your half ellipse but we have to complete the ellipse over here also and so that you have to repeat the same step on the Bottom portion of this AB, but that will be consumed much more time. So, I am going to show you here the shortcut method. Draw the lines which are parallel to this CD line and must pass through this P1, P2, P3, P4, P5. Similarly, over here Q1, Q2, Q3, Q4, and Q5. So, that you can do with the help of the roller scale. And here, mark the point such that this distance must be equal to this. So, you can do with the help of the compass. This distance must be equal to this. So, set the radius of the compass from here to here. And with this center, draw the arc on this line so you will get this point. And join all these points by smooth curve, so you will get ellipse. So this is your first task. Draw an ellipse passing through points A, B, and C. Now next, find major and minor axis of ellipse so keep in mind here ab and cd are not the major and minor axis respectively but we are going to find the major and minor axis of this ellipse so first you have to draw the arc with o center and oc as the radius with the help of compass and this arc will intersect the ellipse at this point mark this point as g Join CG. Next, very important point. Draw the line which is parallel to CG and must pass through this O point, which will intersect this ellipse at these two points. Give the name as J and K. Now, draw the line perpendicular to this JK and must pass through this O point. तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है वो इलिप्स को कट करेगी ये दो पॉइंट पे तो उसको नेम दे दो एच एंड आई सो हियर यू कैन से एच आई इज द मेजर एक्सिस एंड जेके इज द माइनर एक्सिस सो नाउ यू कैन मेजर द डिस्टेंस एच आई विद द हेल्प ऑफ द स्केल एंड दैट विल बी 108 mm एंड एम एम विल बी 56 mm. So this is your next answer. Find major and minor axis of ellipse. Now it's done for the normal and tangent. So let's say this is the point where I want to draw the normal and tangent. So first you have to locate the F1 and F2 point. So for that you have to take the compass. सेट द रेडियस ऑफ द कंपास एज वन आफ ऑफ दिस मेजर एक्सिस दैट मींस एच तो क्या करना है आपको कंपास लेना है रेडियस एच ओ जितनी सेट करना है और जे सेंटर लेके एच ओ लाइन पे आर्क ड्रो करना है और दोनों साइड आर्क ड्रो करना है तो इधर भी आपको आर्क मिलेगी तो आपको मिल जाएगा एफ वन एंड एफ टू फोर साइड Next, join SF1 and SF2, and so that you can draw the bisector of this angle, that will be your normal. Now, draw the line which is perpendicular to this normal and passing through this S. So, this is your next task. Draw the normal and tangent at any point. If you want to see more engineering videos, then subscribe my YouTube channel and go to playlist. Thanks, my dear friends. Press the like button to appreciate this video.